हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्लॉग्स ऑफिशियल 57। आपका मेरे इस नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है सुबह का टाइम, तो आज का व्लॉग हम मॉर्निंग से ही शूट कर रहे हैं। तो ये है मेरी छत से दिखने वाला व्यू। तो जैसा कि आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि हमारा घर रहेगा नदी के किनारे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा यहाँ से सीन दिखाई देता है। नदी है, पेड़ पौधे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा शूट करके आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये मेरे छत पे देखिए, हरे भरे से पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये गेंदा का फूल इसमें आज खिला था, तो वो मैंने शूट कर लिया। यहाँ देखिए, ये उस पार का सीन आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ये हमारे छत पे सूख रही थी ये मिर्चियाँ। तो जैसा कि आप आगे थंबनेल में देख ही चुके होंगे और आगे के शॉर्ट्स में, कि आज हम कुछ नया बनाने वाले हैं, चटपटा सा क्रंची सा नाश्ता। तो आप इसको ब्रेकफास्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, शाम के स्नैक्स के हिसाब से भी ले सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो इसको हम बनाएंगे सिर्फ गेहूँ के आटे और चने की दाल से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसको कुछ लोग भकुसुआ या सब लोग कुछ अलग अलग नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं, उसके साथ ही हम उसकी सब्जी भी बनाएंगे। तो दोनों ही काम एक साथ होने वाले हैं। तो हमने रात में फुला दी थी चने की दाल, तो उसको रात भर फूलती रही है। और उसे अभी हम जो उसका पानी था वो हटा के उसको अच्छे से धोकर थोड़ी देर के लिए सुखाने के लिए रख देंगे, जिससे इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो चलिए पहले इसे निकाल लेते हैं, फिर फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक बने रहिए। और जो लोग भी ये डिश ट्राई कर चुके हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी डिश भी मेरे साथ शेयर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल देसी अंदाज में, चूल्हा जलाया है हमने। तो ये देखिए, जो चूल्हा है हमारी मम्मी ने घर पर ही बनाया था, तो बहुत ही, इसको कहीं भी उठा के रख लो, कहीं भी मन हो जहाँ बनाने का, तो उसको उठा कर हम वहीं पर भी खाना बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज हमने यहाँ आंगन पे ही बना लिया है। फिर इसके पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी व्लॉग, ये मैंने देखी, हमारी बैल्कनी है, यहाँ पर हमने बनाया हुआ था। आज हम बना रहे हैं अंदर, और ये हमारी गली है, तो ये आपको दिखा रही हूँ। ये तो ये देखिए हमारी बैल्कनी, यहाँ प्यारे से गेंदा के फूल निकले हैं, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और यहीं हम कभी कभी खाना बना लेते हैं, चूल्हा जला लेते हैं जब भी मन होता है, या फिर अंदर जला लेते हैं। तो आज हम आंगन पे ही बनाने वाले हैं। तो ये हमारे घर के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये देखिए चूल्हा हमारा जल चुका है, तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये हमने मिट्टी की जो हमारी हांडी थी उसे चढ़ा दी है, कढ़ाई है ये मिट्टी की, तो इसी पे ये बनाएंगे, तो इससे खाना काफ़ी टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले हम जो सूखे मसाले हैं उसे भूनकर इसको रोस्ट करके अच्छे से निकाल लेंगे, फिर उसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने दाल धुलकर रख दी थी, तो उसका सारा पानी निकल चुका है। तो अभी आग नहीं चल रही है, तो अच्छे से पहले आग जला लेते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ी सिलाई मशीन की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि यहाँ रूम में अपनी सिलाई भी कर रही थी। तो उनके जो चैनल का जो नेम है, हमने आपके साथ पहले वाले व्लॉग में शेयर किया था, फरीन आर्ट 96। तो जिन लोगों को भी सिलाई सीखना है बिल्कुल डीपली अच्छे से, तो वो इस चैनल पे जाके अच्छे से सीख सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सिलाई सिखाई गई है, सारे डिज़ाइनर सूट सब कटिंग सिलाई हर चीज़। तो वो चाहें तो वहाँ से जाके, जिन्हें भी सीखना हो वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके आप सीख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने मसाले डाले थे सूखे, उन्हें पहले हमने रोस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। तो इनमें हमने कुछ खड़े मसाले यूज किए हैं, ज़्यादा इसमें मसाला नहीं डालते हैं, बस सूखी हुई लाल मिर्ची थी, जो हमने हरी मिर्च होती उन्हीं को सुखा के लाल हो जाती हैं वो थी, सूखी धनिया खड़ी, जीरा और एक बड़ी इलायची और काली मिर्च, बस इतना ही हमने मसाला इसमें रोस्ट किया है। अब ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो इसको जाके हम मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। Thank you.
तो ये हमारा सूखा मसाला है, इसको हमने मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए ज़्यादा महीन हम इसको नहीं पीसा है, इसको हमने थोड़ा सा दरदरा टाइप का पीसा है। अब हम इसमें दाल डाल के इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दाल डाल दी है जार में और इसको ग्राइंड कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम सारी दाल अच्छे से पीस लेंगे मिक्सर पे ही, तो बहुत ही आसानी से पीस जाती है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती है। और ये जो जो दाल था तो उसका पानी अच्छे से निचोड़ दिया था, तो ऐसे सूखी सूखी सी, बिल्कुल भी इसका पेस्ट गीला नहीं है, ऐसे सूखा सूखा सा अच्छे से ये है ग्राइंड हो रहा है। इसी तरह से आपको करना है, ज़्यादा इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, हमने बिना पानी के ही इसको अच्छे से पीस लिया है, तो इस तरह से आपको भी करना है। तो चलिए पहले पूरी दाल हम पीस लेते हैं, फिर आगे की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। हमने सादा आटा पहले ही सेट करके रख दिया था, लेकिन जो भकोसुआ के लिए हमने थोड़ा सा आटा निकाल के उसमें नमक मिला देंगे अच्छे से। तो आटे में नमक अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि आटा हम पहले ही सेट कर चुके हैं, तो थोड़ा इसको अच्छे से हम इसमें मिलाएंगे ताकि जो नमक है अच्छे से पूरे आटे पे हो जाए। तो यहाँ देखिए काफ़ी देर तक हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर करके इसमें नमक अच्छे से मिक्स किया था ताकि पूरे आटे पे अच्छे से फैल जाए। और उसके बाद फिर हमने ऐसे इसको सीधा सीधा सा बना लिया था और उसको चाकू से थोड़े थोड़े से इसके छोटे छोटे से टुकड़े कट कर लिए थे। तो इस तरह से हम तो ये हम छोटी छोटी सी लोई पूड़ी के जैसे हम बनाते हैं, उस तरह से इसके हमने टुकड़े कर लिए हैं। अब एक एक लोई लेकर हम इसे पूड़ी के तरीके बेल लेंगे और इसमें जो हमारे दाल है जो हमने पीस के वो मसाला मिक्स करके जो हमारा स्टफ तैयार किया हुआ है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें भर लेंगे और किनारे किनारे से इसको ऐसे पलटा के दबा देंगे, जैसे कि गुजिया बनाते हैं। तो गुजिया में हम क्या करते हैं, साइड से उसको ऐसे मोड़ के फोल्ड करते हैं, लेकिन इसे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा दबा। तो इस तरह से हम सारे बना के रख लेंगे और फिर उसके बाद ये पानी हमारा उबल चुका है तो इसमें हम एक एक करके इसको छोड़ देंगे और फिर इस पानी में इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, तो जो आटा है वो टाइट हो जाता है और पक जाता है अच्छे से। और फिर उस
यहाँ देखिए हमने सारे भकुसवे जो भर के रेडी कर लिए हैं। अब एक एक करके इसको हम गर्म पानी में छोड़ देंगे और इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे ऐसे ही। और पानी गर्म नहीं, पूरा उबाल आ जानी चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें डालना है, तो ये अच्छे से पक जाते हैं। तो यहाँ देखिए एक एक करके हम सारे इसमें छोड़ देंगे पानी में और इसे हम 10 से 20 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। तो यहाँ जब तक हमारे भकुसवे उबल के तैयार होंगे तो हम छन्नी के बर्तन में जो सब्जी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो हम वो बंदी की सब्जी बना रहे हैं, वो भी चने की दाल की ही बनेगी, तो दोनों चीज़ एक साथ बना रहे हैं। तो ये छन्नीदार बर्तन था, उसमें हमने थोड़ा सा तेल लगा के उसको अच्छे से ऐसे पूरे बर्तन पर फैला दिया है। अब नीचे से भकुसवा हमारे उबल जाएंगे और ऊपर से भाप में वो हमारी वो बंदियाँ भी तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ हमने चने की दाल का थोड़ा सा जो पेस्ट था वो हमने निकाल लिया था, उसमें हरी धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा हमने गरम मसाला डाल दिया है। इन सबको अब अच्छे से मिक्स करके छोटी छोटी सी बरी, जैसा जैसे बरी देते हैं उसी तरह से हम इसमें बर्तन पे दे देंगे और इसे ढक देंगे, तो ये भाप में दोनों चीज़ें एक साथ ही पक जाएंगी। तो यहाँ देखिए जो हमारा पेस्ट था अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है सारे मसाले डाल के। अब इसमें हम छोटी छोटी सी बरी टाइप की इसमें दे देंगे तो हमारी सब्जी भी बन के रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इतनी छोटी छोटी सी दी थी, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे भकुसवे अच्छे से पक चुके हैं, तो इसे हम अलग बर्तन पे एक एक करके सारे निकाल लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से पक चुके हैं।
तो ये भगुसवे को हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके पीस कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक एक भगुसवे के 3 पीस किए थे। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो छोटे या बड़े। तो इन्हें हम सबसे पहले काट लेंगे। वहाँ देखिए हमारी मुबंदी भी स्टीम हो चुकी हैं बहुत ही अच्छे से, चूल्हे की धीमी धीमी आंच में अच्छे से स्टीम हो गई थी, तो उसे भी हमने निकाल लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा कढ़ाई पे ऑयल डाल देंगे, और ये जो हमारे भगुसवे हैं इनको हम इसको इसी ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो धीमी धीमी आंच में इसको फ्राई करेंगे और हमारे जो भगुसवे हैं वो रेडी टू ईट हो जाएंगे। और इसके साथ हमने बनाई हुई है सेजवान चटनी, तो उसकी जो वीडियो है वो मैंने शूट नहीं की है, तो फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और जिन्हें भी सेजवान चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, तो वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ देखिए अब हम धीमी धीमी आंच पे और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि चूल्हे की तो बात ही अलग होती है, धीरे धीरे आंच लगती है, तो इससे खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप गैस पे भी बना सकते हो और सेम ही तरीका रहता है बनाने का उसमें भी। तो यहाँ देखिए इसको हम सबसे पहले फ्राई कर लेते हैं और जो बाकी के रखे हैं उनकी कटिंग कर लेते हैं। हाँ देखिए हमारे जो भगुसवे हैं वो धीमी धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसे हम बर्तन पे निकाल लेंगे
और शेजवान चटनी के साथ इसे खाएंगे। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और जो मोमबत्ती हमारी स्टीम हो चुकी है उसे हम फ्राई करने के लिए तेल पे छोड़ देंगे और इसे भी धीमी धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो जल्दी से इसकी सब्जी भी बन जाएगी। तो यहाँ देखिए हमने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसे हम ऐसे ही चूल्हे की धीमी धीमी आंच पे पकने देंगे। मोमबत्ती अच्छे से फ्राई हो चुकी थी तो इसे हमने बर्तन पे निकाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और इसका जो मसाला भूनने के लिए, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ही हमने ऑयल डाला है जिससे कि अच्छे से उसमें तेल उतर आता है तो सब्जी देखने में भी और खाने में भी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें हम कुछ जो सूखे गरम मसाले हैं खड़े वो डालेंगे, तो थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, बस इतने ही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। और हमने इसमें थोड़ा प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ है। जो बेसिक से हमारे मसाले हैं सूखी धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सारा कुछ डाल के मसाला अच्छे से भून लेंगे और धीमी धीमी आंच पे इसे भी भूनेंगे। तेज आंच पे नहीं भूनना है तो इसका टेस्ट ही कुछ अलग आता है। तो यहाँ थोड़ा सा नमक इसमें हमने लास्ट में डाल दिया था, भूल गए थे पहले डालना। और ये देखिए ये जो पेस्ट था तो थोड़ा सा इस जार में रह गया था तो इसमें भी हमने पानी डाल के इसमें डाल दिया है। अब इसे हम भूनने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए मसाला हमारा धीमी धीमी आंच पे अच्छे से भुन चुका है। जब मसाला हमारा भुन जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें सालन कर देंगे और जो हमने मोमबत्तियाँ फ्राई करके रखी हुई है इसमें सारी एक एक करके छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा पानी बचा हुआ था बकुस्पा हमने बनाए थे उसमें उबाले थे वही पानी हमने इसमें मिलाया है क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था पकते पकते। आप चाहें तो अलग से भी पानी डाल सकते हैं, मेरे पास ये बचा हुआ रखा था तो मैंने इसे यूज़ कर लिया, फेंकने से तो अच्छा ही था। और अब हम इसमें देखिए सालन हमारा हो चुका है, अब इसमें हम मोमबत्ती डाल देंगे और इसे हम बस 5 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद हम इसे हरी धनिया से इसे गार्निश कर देंगे और हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। हमारी सब्जी बनकर हो चुकी है रेडी, तो इसे हम उतार देंगे। अब हमारी है रोटी बनाने की बारी। तो सबसे पहले हमने इसमें चढ़ा दिया है तवा, अब हम बनाएंगे चूल्हे की रोटियां। तो जैसा कि आपको बताया अभी मैं सीख ही रही हूँ चूल्हे में रोटियां बनाना, मुझे नहीं आता है तो मम्मी मेरी हेल्प करेंगी। तो मैं मम्मी को रोटियां बेल के दूंगी और मम्मी आग पर धीमी धीमी आंच पे अच्छे से सेकेंगी, मुझसे रोटियां जल जाती हैं इसलिए मम्मी मुझे ये काम नहीं देती हैं। तो यहाँ देख देख के धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। तो कमेंट में बताइए कौन कौन है जो चूल्हे में खाना बनाना सीख रहे हैं। तो मेरी तो केवल रोटियां रह गई हैं।
तो हम और मम्मी बना रहे थे साथ में रोटियां, दोनों लोग खूब सारी बातें कर रहे थे और साथ में रोटियां भी बनती जा रही थी, तो पता भी नहीं चला था। और रोटियां हमारी बनकर रेडी हो गई थी, तो सब्जी हमारी रेडी हो चुकी थी जिनको खाना था, तो वो खाते भी जा रहे थे। और इसके बाद हमें करना है बहुत ज़रूरी काम, क्योंकि जो अपी की फ्रेंड, इनकी शादी की इतने दिनों से तैयारी हो रही थी, सारी शॉपिंग हुई, तो आज है उनके जो शादी में जो सूट लगते हैं, अरे जो दिए जाते हैं, तो उनकी होनी है आज पैकिंग। तो ये सारा काम निपटा के हम दोनों चले जाएंगे सूट पैकिंग के लिए। तो अभी सबसे पहले रोटी बना लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ जाएंगे, तो वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी।
मिलकर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब ये सारा कुछ समेट कर और फिर हम करते हैं अपनी तैयारी। तो यहाँ अपनी हमारी जो हल्दी में पहनने के लिए हमारा सूट काट रही हैं, तो मैंने जैसा कि आपको येलो कलर वाली कुर्ती आपको दिखाई थी, लॉन्ग कुर्ती, और ये सर्कल ट्राजो मैंने बनाया था। तो जब पूरा बन जाएगा तो आपके साथ आपको दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक कैसा था। तो यहाँ देखिए कटिंग हो रही, तो अभी भी अपना वीडियो शूट कर रही हैं सिलाई का। तो आपको जैसा मैंने बताया था, उनका जो चैनल है परीन आर्ट्स 96, तो जिन्हें भी सिलाई से रिलेटेड जो भी कुछ सीखना हो, कटिंग या सिलाई करना, तो इनके अपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फरहीन आर्ट 96, और वहाँ से ही सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। तो यहाँ मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। अब हम दोनों निकलते हैं फ्रेंड के घर के लिए, और फिर व्लॉग हो रहा है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग, तो अब बस यहीं पर इसको एंड करूँगी। और जिन जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, जो रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है वो पसंद आई है, तो मुझे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खूब सारा लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग मेरी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स लाते रहेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय फ्रेंड्स।